हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आचल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन चैनल सी जी पी एस सी ई ज्ञान में। और अभी है हमारा लेक्चर नंबर 46। इसमें हम करने वाले हैं अपने वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद हम लोग करेंगे जून करंट अफेयर्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जून करंट अफेयर्स होगा छत्तीसगढ़ का पूरा मंथली करंट अफेयर्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि www.visualcard.com पे जाके आप हमारे चैनल के जितने भी पेन ड्राइव कोर्सेज हैं उसे जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए पढ़ाई करते हैं। 7 अप्रैल 2019 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो सबसे पहले तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस और उसका थीम था हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। ये हम लोगों ने पहले भी करंट अफेयर्स में देखा हुआ है। 7 अप्रैल 2019 को मलेशिया ओपन उसका खिताब किस पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता। तो वो जीता है लिंडन ने चीन से। नेक्स्ट है 8 से 11 अप्रैल 2019 के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड गुरुक्षेत्र अभ्यास 2019 वो किस देश के बीच झांसी में किया गया। तो वो है भारत और सिंगापुर के बीच। कौन सा सैन्य अभ्यास? बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास। कहाँ पे हुआ? झांसी में बबीना मिलिट्री स्टेशन में भारत और सिंगापुर के बीच। इंपॉर्टेंट है। और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम लोगों ने कितने सारे सैन्य अभ्यास जो हैं वो अभी तक कवर कर लिए हैं इन्हीं करेंट अफेयर्स में। नेक्स्ट है 8 अप्रैल 2019 को अमेरिका ने किसे आतंकी संगठन घोषित किया है। तो वो है आपका ईरानी सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स को। तो इम्पॉर्टेंट है रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स जो कि ईरान की सेना है उसे अमेरिका ने जो है आतंकी संगठन घोषित किया है। 8 अप्रैल 2019 को भारतीय हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया। तो वो हैं आपके ग्राहम रीड को, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। ग्राहम रीड वो कौन है? भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 2019 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया। तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल 2019 को। नेक्स्ट है आपका 10 अप्रैल 2019 को लगातार तीसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया। तो वो है लगातार तीसरी बार विराट कोहली को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो है अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है आपका 10 अप्रैल 2019 को वुमेन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है। तो वो है आपका स्मृति मंधाना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। पुरुष में आपको मिला है विराट कोहली और फीमेल में स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 2019 को पॉल्यूशन चार्ज जोन को लागू करने वाला पहला शहर कौन बना? लंदन। लंदन जो है पॉल्यूशन चार्ज जोन लागू करने वाला पहला शहर बना है। 11 अप्रैल 2019 को किस तेलुगु कवि को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। तो वो है के शिवा रेड्डी। उनकी कौन सी कविता संग्रह के लिए उनको मिल रहा है? पक्काकी ओटी गिलिते। तो ये इम्पॉर्टेंट है। के शिवा रेड्डी को सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है उनकी कविता संग्रह पक्काकी ओटी गिलिते के लिए। नेक्स्ट है 11 अप्रैल 2019 को किस देश में 30 साल के शासन का अंत के साथ आपातकालीन लागू हुआ है। तो वो है सूडान में। 30 साल का शासन वहाँ पे ख़त्म हुआ है और वहाँ पे आपातकालीन लागू हुआ था अप्रैल में सूडान में। 11 अप्रैल 2019 को किस देश का बेरेशिट नामक विश्व का प्रथम निजी चंद्र अंतरिक्षयान चंद्रमा पर उतरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो वो है इज़राइल का। तो हमको यहाँ पे याद रखना है बेरेशीट, ये जो है पहला निजी चंद्र अंतरिक्षयान है इज़राइल की तरफ से। तो इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पहला निजी चंद्र अंतरिक्षयान है, ठीक है, बट वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसका नाम था बेरेशीट और कौन से देश का है? इज़राइल का। 12 अप्रैल 2019 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। नेक्स्ट है आपका 12 अप्रैल 2019 को रूप के सर्वोच्च रूस होगा, यहाँ पे रूप नहीं है, उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। नाम फिर से देखिए, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल उसका सम्मान किसे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को।
12 अप्रैल 2019 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वो है न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। 13 अप्रैल 2019 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कौन सी घटना का 125 साल पूरा हुआ, तो वो है आपका जलियांवाला बाग नरसंहार। 13 अप्रैल को जो है वो दिन है। 15 अप्रैल 2019 को सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप, इसके लिए किसे चुना गया, पैरा एथलीट दीपा मलिक को। इम्पॉर्टेंट है, सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया, पैरा एथलीट दीपा मलिक को। 15 अप्रैल 2019 होगा ये, 16 नहीं है। 2019 को हैती जो देश है उनका प्रधानमंत्री किसे चुना गया, जीन मिशेल लेपेन को। 15 अप्रैल 2019 को की गई घोषणा के अनुसार 24 से 30 अप्रैल के बीच आयोजित होने वाले आबू धाबी पुस्तक मेला, उसके गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश होगा, भारत होगा। तो आबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो होगा उसका हो चुका है, जो उसका गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश था, भारत। 15 अप्रैल 2019 को पंजाब नेशनल बैंक ने किसे बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया, तो वो है राजेश कुमार यदुवंशी जी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं और अब हम लोग करने वाले हैं जून करंट अफेयर्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जून समय समाई की छत्तीसगढ़ मंथली करंट अफेयर। सबसे पहले आता है आपका अंजोर रथ। अंजोर रथ जो है उसका उद्देश्य क्या था, वो सबसे पहले तो प्रारंभ कहाँ पे किया गया, सरगुजा संभाग में, और इसका जो उद्देश्य था प्रदेश के जो आम नागरिक हैं उनको जागरूक करना है और जो अपराध हमारे राज्य में होते हैं उसके खिलाफ सजग करने के लिए पुलिस विभाग ने इसका स्टार्ट किया था, अंजोर रथ, है ना। इसके माध्यम से मुख्यतः क्या किया जाएगा, ये जो चिट फंड कंपनी होती है, फिर आपका साइबर क्राइम होता है, एटीएम फ्रॉड होता है ना, यातायात संबंध नियम, और उसके बाद जो हमारा इमरजेंसी नंबर है 112, लैंगिक अपराध जो होते हैं, इन सब के लिए जो है जागरूक बनाने के लिए अंजोर रथ जो है वो स्टार्ट किया गया। देखिए एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि पुलिस विभाग द्वारा बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिससे कि आम नागरिक जो है वो लाभान्वित हो। जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा था संवेदना, उसके बाद देखा था मुस्कान, उसके बाद आप लोग देख रहे हो ये अंजोर रथ। तो जो हमारे राज्य का पुलिस विभाग भी जो है वो बहुत ही कर्मठ तरीके से अपना काम कर रहा है ना। नेक्स्ट है आपका सुराजी गौ सेवा एप्लीकेशन, इसका शुभारंभ हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है और इसका उद्देश्य है कि इसके द्वारा जो हमारे आम नागरिक हैं वो गौ सेवा के लिए अपना दान दे पाएंगे इस ऐप के द्वारा, है ना। ऐप का नाम है सुराजी गौ सेवा एप्लीकेशन, है ना। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। हम लोगों ने देखा था विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया गया था और इसमें हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने अपील की है लोगों से कि हमको अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है। नेक्स्ट है गढ़ कढ़ेवा बहुत ही ज़्यादा अभी प्रसिद्ध हो रहा है। तो इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन के लिए सभी जिला मुख्यालय जो हैं वहाँ पे क्या खुलेगा, गढ़ कलेवा। इसका उद्देश्य है कि जो छत्तीसगढ़ का भाषा है, व्यंजन है, संस्कृति है, उसको लोग जाने और उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो उसके लिए क्या खुलेंगे, गढ़ कलेवा। उसके बाद छत्तीसगढ़ को क्या मिला है, भारत सरकार की तरफ से ई पंचायत पुरस्कार। इसलिए मिला है क्योंकि छत्तीसगढ़ ने अपने मतलब जो पंचायत की जो मूल सेवा है और जो कार्य हैं उसको जो है इंटरनेट के जरिए उसका मॉनिटरिंग वगैरह किया है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री जी के प्रयास से बस्तर को दो बड़ी सौगात मिली है। पहला तो NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, उनका जो आपका स्टील प्लांट का ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो भर्ती परीक्षा है अब जो होगा वो दंतेवाड़ा में वो एग्ज़ाम किया जाएगा। और नेक्स्ट उसका जो मुख्यालय है NMDC का अब वो कहाँ पे होगा, नगरनार में, ठीक है, नगरनार में जो है मुख्यालय होगा, है ना।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका नव निर्मित एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान, कहाँ पे बन रहा है आपका, जिला बिलासपुर में, और इसका नामकरण कौन करेंगे, श्री बी आर यादव। इसका विशेष बात यह है इस मैदान का कि स्टेडियम में फ्लड लाइट और दर्शक दीर्घा जो है वो दोनों चीज़ यहाँ पे बनेंगे, और बिलासपुर का पहला है और ये छत्तीसगढ़ का चौथा एस्ट्रोटर्फ मैदान होगा। उसके बाद हमारा आता है रामगढ़ महोत्सव। रामगढ़ महोत्सव इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसा है कि भावी पीढ़ी को संस्कृति से परिचित कराने के लिए और वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है, उसका लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए रामगढ़ महोत्सव जो मनाया गया वो 2 दिवसीय था। और ये कब मनाया जाता है, आषाढ़ के पहले दिन में, मतलब आषाढ़ के प्रथम दिवस में जो है रामगढ़ महोत्सव मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। सन 1969 में जो है स्टार्ट किया गया था। और विशेष बात क्या है कि देखिए, रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पूरे विश्व में जो है अपना स्थापित कर चुकी है नाम, है ना। और रामगढ़ की पहाड़ी में क्या क्या आता है, सीता बेंगरा, जोगी मारा, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो रामगढ़ की गुफा है वो महाकवि कालिदास जी की मेघदूतम जो उन्होंने लिखा था उसकी रचना स्थल है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो रामगढ़ के बारे में आपको ये सारी चीज़ें जाननी है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, राज्य का हर परिवार होगा राशन कार्ड के लिए पात्र, किसके तहत, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। इसमें क्या किया जाएगा, सारे परिवारों का राशन कार्ड बनेगा। नेक्स्ट है आपका सिकल सेल संस्थान बनेगा अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये किसने घोषणा की है, मुख्यमंत्री जी ने, और इसका उद्देश्य है कि जो सिकल सेल अनीमिया है ना वो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा लोगों को है, तो उसका पता लगाने के लिए स्कूल में अब से खून की जांच होगी। और ये चीज़ की घोषणा कब हुई, विश्व सिकल सेल दिवस पर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमर बानी बचाबो पानी अभियान, हमर बानी बचाबो पानी अभियान, ये कहाँ पे, जिला बालोद में ये अभियान शुरू किया गया है, हमर बानी बचाबो पानी। तो इस अभियान के अंतर्गत क्या होगा कि जल संरक्षण और संवेदन के लिए जो है जागरूकता लोगों तक फैलाई जाएगी। उसके बाद हम लोग का है आपका जो मिस ग्रैंड इंडिया, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का जो वो हुआ था मुंबई में, उसमें रायपुर की जो शिवानी है वो जो है जीती हैं। उसके बाद आपका है और उनको जो है अवार्ड मिला है, किनको, शिवानी को जो कि रायपुर से हैं। राष्ट्र भारत सम्मान और सुकरात स्मृति सम्मान, ये जो है ग्रीस में इसका आयोजन हुआ है, और रायपुर की ममता आहार को जो है इसका अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड, राष्ट्र भारत सम्मान व सुकरात स्मृति सम्मान। गुर्रा व सुकवा छत्तीसगढ़ी नाम है, ये तूफान के नाम है। गर्रा और सुकवा, गर्रा का मतलब होता है तेज़ हवा और सुकवा का नाम होता है ब्रह्म मुहूर्त, तो ये दोनों भी एग्ज़ाम में आ सकता है, वो जो ग्रामर वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं लास्ट में उसमें आप देख सकते हो। गर्रा का मतलब होता है तेज़ हवा और सुकवा का अर्थ होता है ब्रह्म मुहूर्त। नेक्स्ट है आपका प्रसाद योजना, राजनंद गाँव में जो है प्रसाद योजना नाम की योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ जो है धान से बायो इथेनॉल बनाने वाला पहला राज्य होगा। बाल मित्र योजना, इसका उद्देश्य है बाल हितैषी पुलिस, मतलब बच्चों के लिए फ्रेंडली पुलिस स्टेशन जो है बनाना, विकसित करना जो होगा बाल मित्र योजना का जो है ये उद्देश्य होगा। प्रदेश का पहला उद्योग नगर बनेगा आपका एर्राबोर गाँव, जिला सुखमा, ये याद रखना है। प्रदेश का पहला उद्योग नगर एर्राबोर गांव राजपेटा में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं नए मोहन मरकाम जी। छत्तीसगढ़ हरियर छत्तीसगढ़ अभियान, इसके लिए मतलब इसमें क्या होगा, पौधारोपण होगा और उसके लिए 7,13,00,000 पौधों का रोपण जो है हरियर छत्तीसगढ़ अभियान का लक्ष्य है, ठीक है। मुख्यमंत्री की चिट्ठी, मुख्यमंत्री की चिट्ठी मतलब जो हमारा वही बजट में जितने भी प्रावधान थे वो जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया था वो इसके अंतर्गत आता है।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, कहाँ पे? दुर्ग में पायलट प्रोजेक्ट की जो है शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ धान से बायोएथेनॉल बनाने वाला पहला राज्य बना है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का जो जून महीने का जो छत्तीसगढ़ मंथली करंट अफेयर्स है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कुछ छूटा होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर जो है उसे डालूँगी। और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।